www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم बुजुर्गान मोहतरम, उमूमन फजर के बाद मेरा बात करने का मिजाज नहीं है, कुछ जिक्र वगैरह का मिजाज है, लेकिन मौलाना चूंकि मेरे रफीक भी है, दोस्त भी हैं, वली भी हैं, साहिब निस्बत भी है, मैं हमेशा उनका इकराम करता हूँ। अगरचे वो मेरे दोस्त हैं, साथ में जमाना पढ़ने का था, लेकिन मैं इनका बहुत इकराम करता हूँ। इस मुनासिबत से मैंने इनकी बात को कबूल कर लिया। इन्होंने अभी एक बात कही कि आखिरी बयान है, उस पर मुझे एक बात याद आ गई कि हमारी जिंदगी का आखिरी वक्त भी आने वाला है, जिस दिन कि हम दुनिया से रुखसत होंगे और आखिरत का पहला दिन होगा। तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं खात्मे के सिलसिले में मुख्तसर वक्त में दो बातें कह दूं कि हमारे खात्मे का क्या मसला है। सबसे पहले तो ये समझें कि ईमान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया की सारी नेमतें अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन ईमान से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। वाअबुदु रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह की इबादत करते रहो आखिरी लम्हे तक, मौत तक अल्लाह की इबादत करते रहो। नंबर दो, मैंने जो आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, ए ईमान वालों, जैसे अल्लाह से डरने का हक है वैसे डरो। वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, यहां मौत की नफी मुराद नहीं है कि तुम मरने वाले नहीं हो। मौत तो यकीनी बात है, जो अल्लाह को नहीं मानता उसको भी यकीन है कि मौत आने वाली है। यहां ये बताना चाहते हैं कि मौत आए तुम्हारी इस आलम में कि तुम मुसलमान होकर मरो, तुम ईमान वाले होकर के मरो। वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मौत आए तुम्हारी मगर हालत ईमान और हालत इस्लाम में। दुनिया में हमारे पास माल होता है, तो माल की हिफाजत के सिलसिले में हम दो रास्ते अपनाते हैं। गौर से इन बातों को समझें, इसलिए कि मैं मेरे बुजुर्गों की मशाइख की कुछ बातें खात्मे के सिलसिले में जिक्र करना चाहता हूं। हम अपने माल की हिफाजत के सिलसिले में दो काम करते हैं। एक तो उसकी हिफाजत इस तरह करते हैं कि उसके लिए अलमारी और तिजोरी रखते हैं ताकि वो माल महफूज रहे, और दूसरी फिक्र हमारी ये होती है कि कोई चोर चोरी न कर ले, कोई डाकू डाका न डाल ले, तो हम अपने उन डाकू और चोर से भी बचाते हैं। ये दो रास्ते। ठीक इसी तरह ईमान जो अल्लाह ने बड़ी नेमत हमको दी है, नेमत उज़्मा, उसके ऊपर भी हमें दो काम करने हैं। एक तो उसकी हिफाजत करना है और एक दुश्मन उस पर हमला न करें इसकी भी फिक्र करना है। अब हिफाजत कैसे होगी ईमान की, तो कुरान हदीस से मालूम होता है कि आमाल करते रहो तो ईमान महफूज रहे। नमाज है, इबादतें हैं, अगर ये करते रहते हैं हम तो इंशाअल्लाह ईमान महफूज रहेगा। गोया आमाल की तिजोरी में ईमान महफूज होगा, और अगर आमाल नहीं किए तो नबी फरमाते हैं कि नमाज नहीं पढ़ी तो ला ईमान अलिमल्ला अमानत लहू, जिसके पास अमानत की सीफत नहीं उसके पास ईमान नहीं, जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसका ईमान नहीं, जिसने रोजा नहीं रखा उसका ईमान नहीं। तो आमाल की तिजोरी में ईमान महफूज होगा। इसीलिए आप देख लें कि जो लोग जितने आमाल से दूर होते हैं उनके ईमान के छिन जाने के इतने ही खतरात होते हैं। ये तो हो गई तिजारत, ये तो हो गई तिजोरी। फिर दुश्मन से भी हमको बचाना है, तो हमारे ईमान के दो दुश्मन हैं। एक दुश्मन है शैतान और दूसरा है नफ्स। قال رب بما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم
वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। फरमाया शैतान ने अपने रब से कि ए अल्लाह, चूंकि तूने मुझको इन्हीं की वजह से जन्नत से निकाला, मैं एक बात यहां अर्ज कर दूं। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कह रहे हैं कि तुम बेवफा हो। अल्लाह को कह रहा है कि तुम बेवफा हो। ये कहां लिखा है? वैद कुलना लिल मलाइकत सुजूद लियादम। तो हम अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह हमारी बेवफाई क्या है, तू बता दे। नमाज रोजा सब कुछ हम कर रहे हैं, क्या बेवफाई? अल्लाह कहता है कि जन्नत तुम्हारा मकान है, तुम्हारे बाप रहे और फिर तुम दोबारा जाओगे उसमें, तो जन्नत तुम्हारा मकान है। और कोई आदमी अपने मकान में अपने दुश्मन को पसंद नहीं करता। आप पसंद करोगे कि अपना दुश्मन हमारे मकान में रहे? कोई आदमी अपने मकान में दुश्मन को पसंद नहीं करता। तो हक तआला कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मकान से तुम्हारे दुश्मन शैतान को निकाल दिया, ताकि तुम्हारा मकान साफ सुथरा रहे जन्नत। अल्लाह आगे कह रहा है कि मैंने तो तुम्हारा मकान दुश्मन से साफ कर दिया, लेकिन मेरा मकान जो है वो तुम्हारा दिल है, जिसमें मेरी तजल्ली उतरती है। लेकिन तुम लोगों ने मेरे मकान को मेरे दुश्मन से खाली नहीं किया अभी तक। तुम्हारे कल्ब में, तुम्हारे दिल में मेरा जो दुश्मन है इबलीस लईन शैतान, वो बैठा हुआ है। तो मैंने तुम्हारा मकान साफ कर दिया, लेकिन तुमने मेरा मकान साफ नहीं किया। तुम्हारे दिल के अंदर अभी तक शैतानत बहती हुई है। बात बिल्कुल 100% सही है, ये अल्लाह से बेवफाई है। अब को ये सवाल करें कि फिर ये अल्लाह, अगर मैंने मेरे मकान को साफ नहीं किया दिल को, तो तू साफ कर दे। अल्लाह को हम कहें कि हमारे दिल को तू साफ कर दे, तो अल्लाह की तरफ से जवाब मिलेगा इसका कि मैं तो मेहमान हूं, मेहमान की जिम्मेदारी नहीं है, मेजबान की जिम्मेदारी है। हम सब मेजबान हैं अल्लाह ताला के तजल्ली के, तो हमारा हक बनता है कि हम अपने दिल को साफ करें दुश्मन से। मुझे हमारी खामोशी पर, जैसे कोई बात हम समझ न रहे हो, एक बात हदीस याद आ गई। सूरह रहमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने तिलावत फरमाई, तो सहाबा इसी तरह खामोश बैठकर सुनते रहे, जैसे कोई समझ ही नहीं रहे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे अच्छे तो जिन थे कि मैंने जब जिन्नात के सामने सूरह रहमान पढ़ी तो वो फबी अय्या आलाय रब्बिकु, मैं जब पढ़ता था, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, तो हर आयत पर जिन्नात मुझको जवाब देते जा रहे थे कि ला नुकद्दिबुक या रब्बना नेमतक, ला नुकद्दिबुक या रब्बना नेमतक, अल्लाह हम तेरी नेमतों को नहीं झुतलाएंगे। कहा तुम तो खामोशी के साथ सुनते ही जा रहे हो, तुमसे अच्छे तो जिन्नात थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों की तारीफ फरमाई, और हजरत ने जिनों का 6 मरतबा इस्तेमा किया था, जैसे हमारा इस्तेमा होता है, जिनों के अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 मरतबा इस्तेमा फरमाया था। तो बहरहाल हक तआला फरमाते हैं कि मैंने जब जन्नत को साफ कर दिया तो तुम भी अपने दिलों को साफ कर दो। तो शैतान ने कहा कि अल्लाह, इसकी वजह से तूने मुझको निकाला है ना, मैं इनके रास्ते में दाएं बाएं आगे पीछे से बैठूंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और ये अल्लाह मैं इनको नाशुक्रे बना दूंगा। नाशुक्रे का मतलब मुफस्सिरीन फरमाते हैं बेईमान बना दूंगा। ये शैतान अल्लाह से वादा करके आया है कि मैं इनको बेईमान बना दूंगा, इनके ईमान को लूट लूंगा। तो एक दुश्मन तो शैतान है, दूसरा हमारा नफ्स है। अफराअयत मन इत्तखद इलाहहु हवा व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्म व खतम अला समिही व कल्बिही व जअला अला बसरिही गिशावा। फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की इत्तबा की? अफराअयत मन इत्तखद इलाहहु हवा व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्म, और अल्लाह ताला ने इल्म के अंदर उनको गुमराह क्यों? ख्वाहिशात की वजह से। और अल्लाह ने उनके कुलूब पर महल लगा दी, उनके कानों पर महल लगा दिए, उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब वो हक बात को नहीं समझ सकेंगे।
आप दुनिया में देख लें कि जो ख्वाहिशात के पीछे चलता है, आप लाखों दलाइल दो लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये दो दुश्मन है, इन दोनों दुश्मनों से हमें अपने ईमान को बचाना भी है। तो आमाल की तिजोरी में ईमान को महफूज करना है और इन दोनों दुश्मनों से बचाना है। फिर ये दोनों दुश्मन इतने खतरनाक, उसमें शैतान की दुश्मनी का हाल ये है कि ये मौत के वक्त, इससे पहले कि मैं मौत का तस्किरा करूं, एक बात और समझ ले। हमारे शारहीन बुखारी के अंदर अल्लामा सफरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो शारह बुखारी है, उन्होंने बुखारी शरीफ की शराह में एक वाकया नकल किया। फरमाते हैं कि तीन बड़े आबिद, जाहिद, मुत्तकी, नेक और बड़े पारसा लोग थे, दोस्त थे तीनों के तीनों, हज के लिए चले। रास्ते में ईसाई बस्ती से गुजरे तो एक जाहिद जो है वो एक लड़की पर आशिक हो गए। एक तो वो एक शेख अबू अब्दुल्ला का वाकया है, ये अल्लामा सफारी ने एक दूसरा वाकया लिखा है, बड़ी इबरत का वाकया है। फरमाया कि वो आशिक हो गए लड़की पर और बहाना बनाकर अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग हज कर लो, मेरी तबीयत नहीं चल रही है। वो वहीं रुक गए, यहां तक कि उस लड़की के बाप के पास गए तो उन्होंने कहा कि महर तुम्हें बड़ा अदा करना होगा। कहा कितना महर? कहा ईमान छोड़कर ईसाइयत में आना होगा। अब शैतनत भी आ गई, नफ्स भी आ गया, ईमान छोड़ दिया और वो इसी में दाखिल हो गए, निकाह हो गया, जिंदगी गुजरने लगी, उनकी औलाद भी हुई। दोस्तों को एक लंबी मुद्दत के बाद ख्याल आया कि चलो बहुत लंबी मुद्दत हो गई, देखें तो सही कि उनका क्या हाल है। जब वहां पहुंचे, तहकीक की तो बताया कि उनकी तो मौत हो गई, वो दुनिया से रवाना हो गए और उनके बीवी बच्चे जो हैं वो कब्र के ऊपर रोजाना जा रहे। तो ये भी दोनों दोस्त, जाहिद आबिद मुत्तकी भी वहां चले गए और वहां उनकी कब्र पर बैठ करके जारो कतार रोने लगे और एक को बेहोशी आ गई। होश में आए तो कहा तुम लोग इतने क्यों रो रहे हो, कौन हो तुम लोग? बीवी बच्चों ने पूछा कि कौन हो, इतना तुम रो रहे हो? कहा ये हमारा दोस्त था, हमें इसके मौत पर रोना नहीं आता है, उसके बेईमान जाने पर रोना आ रहा है। ये कुछ बातें कही तो बीवी बच्चों को ईमान नसीब हो गया, उन लोगों ने ईमान कबूल कर लिया इन दोनों के हाथ पर। अल्लामा सफारी रहमतुल्लाह अलैह इस वाकये पर ये लिखते हैं कि जो ईमान वाला था वो बेईमान गया और जो बेईमान थे वो ईमान ले आए। फरमाया कि इसलिए हर वक्त शैतान की शैतनत से और नफ्स की शरारतों से अपने ईमान को बचाते रहो, न मालूम किस मौके पर यह हमला कर दें और हमारा ईमान लूट ले। वफात से पहले ये किस शक्ल में आता है? रिवायतों में है कि हमारे वालिद की शक्ल में आता है और हमारी माँ की शक्ल में आता है, और वालिद और माँ की शक्ल में आकर के यूं कहता है कि मैं तेरा बाप हूं और तुझे मालूम है कि मुझसे ज्यादा खैर का कोई नहीं था। बेटा अगर तुझे ये मौत के बाद कामयाबी चाहिए तो ईसाइयत इख्तियार कर ले। दूसरी तरफ माँ की शक्ल में कहता है अगर कामयाबी चाहिए तो यहूदियत इख्तियार कर ले। अगर उस वक्त मेरा ईमान, हमारा ईमान मजबूत न होगा तो हम इन लोगों के हाथ में आ जाएंगे और अपना ईमान खो बैठेंगे और अपना ईमान दे डालेंगे। इसलिए एक मिसाल और दी कि जैसे हम कश्ती को लेकर चलते हैं पानी में, सामान से भरी हुई कश्ती है, पानी जहाज है, हमें कश्ती चलाने वालों को, माल वालों को दो बात की फिक्र होती है। एक तो यह है कि कश्ती डूब न जाए और मौजों से टकरा न जाए, और दूसरी फिक्र यह हुआ करती है कि कहीं कोई बड़ा जानवर आकर के इसको उलट न दे, इसलिए कि बड़े बड़े जानवर हैं, कोई उलट ना दे। तो मौजों से भी बचाना है, जानवरों से भी बचाना है।
इसी तरह हम आखिरत के मुसाफिर हैं, हमारी कश्ती चल रही है, हमें दोनों चीजों से बचाना है कि नफ्स आकर के हमारी कश्ती को उलट न दे और शैतान आकर के हमारे ईमान को लूट न ले। अगर ये ईमान की फिक्र करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वफात के मौके पर ईमान सही सालिम रहेगा। ईमान सही सालिम किन चीजों से रहता है मुख्तसर इसको भी समझ लो, इसलिए कि जब ये हालात सुनते हैं तो फिर डर लगता है कि अब क्या होगा। आप डर गए ना कि ये क्या हाल होगा हमारे ईमान का। मैं इस सिलसिले में कुरान करीम से तीन चीजें पेश करूं, अगर वो तीन चीजें जिंदगी में हैं तो अल्लाह की जात पर इत्मीनान रखो कि मौत के मौके पर अल्लाह हमारी मदद को आएगा। नंबर एक, पहला, قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قل نزله روح القدس من ربك آگے کیا ہے ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل نزله روح القدس اس قرآن کریم کو جبریل لے کر کے آئے نزلہ روح القدس لیثبت الذین آمنوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جما دے۔ مفسرین فرماتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے شغف رکھو گے تو اللہ موت کے موقع پر ایمان کو جما دے گا۔ یہ قرآن جو ہے اب قرآن کے ساتھ شغف کیسا ہو، مفسرین نے اس سلسلے میں چار باتیں لکھی۔ نمبر ایک، قرآن سے محبت کرو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اس سے محبت کرو۔ نمبر دو، اس کی تلاوت کرو۔ نمبر تین، اس پر عمل کرو۔ اور نمبر چار، اس کی تبلیغ کرو۔ یہ چار باتیں ہماری زندگی میں ہم بسا لیں۔ نزلہ روح القدس لیثبت الذین آمنوا، اللہ ایمان کو جمع دے گا، دشمن سے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ نمبر دو، دوسرا عمل، اعمال والی زندگی بناؤ۔ یہ جو اعمال ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے ہیں، وہ اعمال والی زندگی بناؤ۔ قرآن کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ وفی الآخرہ سے تمام مفسرین نے موت مراد لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے کس کو؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت کا معنی ایمان، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وفی الآخرہ موت کے موقع پر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کرنے والوں کا ایمان اللہ مرتے وقت جمع دیتا ہے، دشمن کا قبضہ اس پر نہیں چلتا، شیطنت کا قبضہ اس پر نہیں چلتا۔ تیسری چیز جو قرآن سے معلوم ہو رہی ہے کہ موت کے موقع پر اللہ کی مدد اترے گی، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جو دعائیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائی، جو اذکار دیے، جو تسبیحات دی، جو نمازوں کے بعد تسبیحات دی، جو چلتے پھرتے ہمیں دی، یا جس کا معمول ہم نے بنایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھ رہے ہیں، یا مبارک مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، رمضان میں کثرت سے استغفار پڑھو، اور وقت کے اندر بھی اگر ہمارے معمولات ذکر سے ہیں تو پھر ہمارا ایمان اللہ جمع دے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ یہ وحسن مآب سے اچھا انجام، موت کا وقت، آخری وقت، جس کی ذکر کا مجاز ہوگا موت کے موقع پر اللہ کی نصرت اترے، اللہ کی مدد اترے گی۔ اور حق تعالی جل شانہ، ہم کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ شرح بخاری کے اندر علامہ ابن بطال رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال قائم کیا، وہ سوال یہ ہے کہ آخر اللہ نے موت کے وقت کی ہماری کیفیت کو کیوں چھپا دیا؟
कि हम मोमिनाना मरेंगे या काफिराना मरेंगे, इसको क्यों छुपा दिया अल्लाह ताला? अल्लाह बयान कर देता। ये जो मैं बता रहा हूं आयात, ये तो निशानियां हैं, ये अल्लाह ताला ने कहा कि इस पर चलोगे तो ये मिलेगा, लेकिन सरी तौर पर मुझे नहीं कहा कि तुम ईमान ही पर मरोगे या तुम कुफ्र ही पर मरोगे। क्यों अल्लाह ने छुपा दिया इसको? इब्न बत्तार रहमतुल्लाह अलैह शरह अल बुखारी में फरमाते हैं कि अल्लाह की हिकमत है, और वो हिकमत ये है कि अल्लाह अगर ये बता देता कि तुम ईमान पर मरोगे तो हमें गुरूर और तकब्बुर पैदा हो जाता, और अगर अल्लाह ये बता दे कि तू कुफ्र पर मरेगा तो फिर हम और शरारत और कुफ्र पर चले जाते। तो न अल्लाह तकब्बुर पर ले जाना चाहता था, न कुफ्र पर ले जाना चाहता था, बल्कि अपने से डरा कर रखना चाहता था कि ईमान उम्मीद और खौफ के बीच में है, इसलिए हमारे अंजाम को नहीं बताया। लेकिन कराइन से, निशानियों से ये बता दिया कि अगर कुरान से मोहब्बत रखोगे, आमाल सालिहा करते रहोगे और जिक्र की पाबंदी करोगे तो इंशाअल्लाह ताला शैतान की शैतनत से और ईमान के लूटने से अल्लाह हमारी हिफाजत कर देगा। एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन शैतान यंजे इंदल मौत, मौत के मौके पर शैतान कमजोर हो जाता है, कमा यंजिउ इबिलकुम फिस सफर औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम, जैसे सफर में चलते चलते तुम्हारा ऊंट कमजोर हो जाता है। ये शैतान कब कमजोर होगा? जबकि ये तीन सिफात हमारे अंदर होंगे, कुरान का शगफ, आमाल सालिहा वाली जिंदगी और जिक्र वाली जिंदगी है, तो इस सूरत में मौत के मौके पर शैतान हार जाएगा। मैं दो वाक्य आपको नकल करूं, एक तो मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आंखों देखा वाकया नकल फरमाया कि मौलाना मोहम्मद नईम देवबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ी अजीबो गरीब शख्सियत, बड़े जाहिद, जवानी में उनका इंतकाल हुआ, इल्म के पहाड़ थे और बड़े आबिद और जाहिद थे, जवानी ही में बीमार हो गए थे। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मगरिब के बाद उनके पास पहुंचा तो वो मुझे पहचान गए, उनके सकरात का हाल चल रहा था, वो मुझे पहचान गए, उन्होंने कहा कि मेरे सर पर हाथ रखो। मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैंने हाथ रखा तो कहा, और मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि मियां साहब को मेरा सलाम कह देना। मियां साहब से मतलब हजरत मौलाना मियां असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो माँ के पेट से वली पैदा हुए थे और मुफ्ती शफी साहब के उस्ताद थे जिनका इंतकाल हो चुका था। तो मुफ्ती शफी साहब सलाम कहलवा रहे कि उनसे सलाम कह देना मेरा। उसके बाद फरमाया कि मैं वहीं बैठा हुआ था और मौलाना मोहम्मद नईम ने कहा कि मुतकब्बिर और मगरूर नालायक मेरा ईमान लूटने आया है, तू मेरा ईमान लूटने आया है, लेकिन मुझे मेरे रब पर पूरा इत्मीनान है कि वो ईमान के साथ मुझे लेगा। अब कोई नहीं है वहां, रिश्तेदार बैठे हुए हैं और हजरत ये बातें कर रहे हैं। फरमाया बहुत देर तक ये करते रहे और उसके बाद उन्होंने हाथ नहीं उठ रहे थे तो इतने हाथ उठाए और यूं कहा कि अल्लाह के हबीब, तूने कहा है सबकत रहमती गजबी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है, ए अल्लाह मैं तेरे पास आ रहा हूं, अपने गुस्से को ठंडा कर दे, अपनी रहमत को गालिब कर दे। ये सकरात में कह रहे हैं। इतने में किसी ने कलमा तलकीन किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हजरत ने फरमाया अगला भी पढ़ो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, खुद ही फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ाने लगे। ये मुफ्ती शफी साहब अपना आंखों देखा हाल नकल कर रहे हैं। फरमाया अगला भी पढ़ो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर फरमाया कभी वो ये पढ़ते थे कि ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, ये बार बार पढ़ रहे हैं। बहरहाल ईशा तक हजरत का यही हाल रहा, यहां तक कि ईशा की अजान का वक्त हुआ तो आपने फरमाया आ जाओ वालेकुम अस्सलाम, ये मलाइका थे जो उनको नजर आ रहे थे, फरमाया आ जाओ वालेकुम अस्सलाम, जल्दी ले चलो, ये मरदूद मेरा ईमान ले लेगा।
और उसके दो तीन मिनट के बाद रूह परवास कर गई। हकीकत यह है कि जिसकी जिंदगी जो है जिक्र पर, आमाल पर और कुरान के शकब पर गुजरी होगी, इंशाअल्लाह ताला उसे मुतमईन रहना चाहिए कि ये सब इशारात हैं कि वो ईमान पर मरेगा। दूसरा वाकया बहुत मशहूर है, हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का, बड़े फलसफी तफसीर राजी आपकी बड़ी मशहूर और मारूफ। अल्लाह ताला ने उलूम से बड़ा नवाजा था आपको, आपके उलूम का क्या कहना, वो तो तफसीर राजी देखने से पता चलता है। आपने तफसीर शुरू करने से पहले फरमाया था कि मैं बिस्मिल्लाह पर 10,000 मसाइल लिखूंगा, तो आपने बेशुमार मसाइल लिखे। ऐसा जबरदस्त इल्म वाली ये शख्सियत, वफात के मौके पर आपका हाल ये है कि अब चूंकि अकली दलील आपके पास बहुत थी, बहुत जबरदस्त अकल अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई थी, फरमाया कि शैतान कोई बात कह रहा है वो तो नहीं सुन रहे हैं करीब वाले, लेकिन आप जो जवाब दे रहे हैं वो सुनते हैं, वो लोग सुन रहे हैं कि ये जवाब दे रहे हैं। ये उन्हीं में एक जवाब ये दिया कि कैसे अल्लाह नहीं हो सकता जबकि इतनी बड़ी कायनात बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती। ये आप बोल रहे हैं, इसका मतलब ये निकला कि शैतान ने ये कहा होगा कि अल्लाह कहाँ है। उसके जवाब में आप ये कह रहे हैं, वो सारे जवाबात भी है कि आपने क्या क्या जवाब दिए, करीबन 98 या 99 जवाबात देते रहे। इससे एक बात का यह पता चलता है कि वो एरी चोटी का जोर लगा देता है ईमान लूटने के लिए, सारे दलाइल पेश कर देता है अल्लाह के इनकार के लिए। आखिर में उनके शेख आ गए और उनके शेख ने यह कहा कि राजी तुम फखरुद्दीन तुम बिला वजह इससे बहस न करो, इससे कह दो कि मैं बिला दलील के अल्लाह को मानता हूं, मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है, मैं बिला दलील के अल्लाह को मानता हूं। यह आखिरी जवाब था कि कुछ वक्त में रूह परवास कर गई। तो हकीकत यह है मेरे भाइयों कि अगर कुरान का शगफ, आमाले सालिहा वाली जिंदगी और जिक्रुल्लाह वाली जिंदगी होगी तो इंशा अल्लाह ताला खातिमा बिल खैर होगा, इंशा अल्लाह ताला। बाकी वो एक हदीस शरीफ में आता है कि इंसान सारी जिंदगी नेक अमल करता है, यह हदीस आपने सुनी होगी, उलमाए किराम बयान करते हैं, और अखीर में कोई अमल गालिब आ जाता है वो जहन्नमी हो जाता है, सारी जिंदगी बुरे अमल करता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अखीर में कोई अमल गालिब आ जाता है और वो जो है जन्नती बन जाता है। तो फिर तो मैं और आप हम ये कहेंगे कि ये मसला तो बड़ा मुश्किल मसला हो गया कि सारी जिंदगी हम नेक अमल करते हैं, अखीर में कोई अमल ऐसा आ जाएगा कि हम जहन्नमी हो जाएंगे। इसका भी मतलब समझ लो ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। चूंकि मैं एक हदीस का तालिब इल्म हूं इसलिए मेरी जिंदगी हदीस ही की तरफ चल पड़ती है। इसका भी जवाब समझ लो ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। इसलिए ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं मेरे भाइयों कि हम सबको अपनी आखिरत की फिक्र है, अपने आखिरी वक्त की फिक्र है, तो ये सब इत्मीनान दिलाने वाली बातें हैं। इस सिलसिले में शुर्राह बुखारी ने इस हदीस की शरह करते हुए यूं लिखा है कि एक आदमी सारी जिंदगी नेक अमल करता है लेकिन अंदर में कोई ना कोई कल्बी बुराई चलती रहती है, दिल की बुराई, जिसको अल्लाह नापसंद करता था उस अंदरूनी बुराई की बुनियाद पर अल्लाह बगैर ईमान के मौत दे देता है। और एक आदमी सारी जिंदगी बुरे काम करता है लेकिन अंदर में कोई अल्लाह की मोहब्बत या रसूलुल्लाह की मोहब्बत कहीं ना कहीं चिंगारी से लग रही होती है तो अखीर में उसी मोहब्बत की चिंगारी की बुनियाद पर अल्लाह ईमान को गालिब कर देता है। बाकी आम मतलब नहीं है कि सारी जिंदगी हम आमाल करें और अखीर में अल्लाह ताला जो है हमें जो है बगैर ईमान के मौत दे दे, ये मतलब नहीं है। ये अल्लामा आइनी ने भी लिखा है और इबन बत्ताल ने भी, हाफिज इबन हजर ने भी ये मतलब लिखा है। हक तआला जल्ल शानहु व अम्मा नवालहु हम तमाम का खातिमा ईमान पर फरमाए। मौत बहरहाल बरहक है, दुनिया में दौलत वाला भी जिंदा न रहा, अगर जिंदा रहता तो कारून जिंदा रह जाता, और बादशाह हत वाला भी जिंदा न रहा, अगर जिंदा रहता तो फिरौन और जुल्करनैन बादशाह जिंदा रह जाता, और
دین والا بھی زندہ نہ رہا, اگر زندہ رہتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دیندار کوئی نہیں تھے. لیکن آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا, سکرات کا مزہ آپ کو بھی چکھنا پڑا, اور دنیا سے آپ بھی رخصت ہوئے. تو بہرحال موت کا جھٹکا تو ہر ایک کو لگنا ہی لگنا ہے. بس ہم اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے اور ہم اس طرح تیرے پاس آ جائیں کہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہاں فادخلی فی عبادی پر ایک بات اور یاد آ گئی, علامہ عینی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر نیک لوگوں کی صحبت میں دنیا میں رہو گے تو ہم القوم لا یسکا جلیسہم, یہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا. فرمایا صالحین کی صحبت میں رہنے والے کو بھی اللہ جل شانہ خاتمہ بالخیر نصیب فرماتے ہیں, اور اس کی مثال اس آیت میں مل رہی ہے, فادخلی فی عبادی, میرے نیک بندوں میں. ہماری روح کو اللہ موت کے موقع پر کہتا ہے نیک بندوں میں آ جا, جو پہلے گئے ہیں نا ان میں تیری روح کو بھی رکھ دیتا ہوں. وادخلی جنتی, اور جنت میں, تو جنت تو اصل ہے اس کو دوسرے نمبر پر, اور نیک بندوں کا تذکرہ پہلے نمبر پر. اس کی وجہ مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو نیکوں میں رہا تو اب میں تجھے نیکوں ہی کے ساتھ کر دیتا ہوں, یعنی ایمان کے ساتھ تجھے لے لیتا ہوں, اور اس کے بعد جنت کا تذکرہ فرمایا. تو صالحین کی صحبت بھی خاتمہ بالخیر کا ایک نشانی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار. اللهم نحن اصبحنا واصبح الملك لله, اصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم انا نسالك الخير في هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. www.attableek.com, the reviver of iman.